हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, बार की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी, आपको सभी को पता है, आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने तैयारी करा रखी है बहुत अच्छे से, और आप चाहें तो आप मेरा PDF वाला कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। 179 रुपीज़ में है, माई एप्लीकेशन पर जाके। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस मैं कराता हूँ और उसका कोर्स भी कराता हूँ, बहुत ही सस्ते में और अच्छा कोर्स, आप चाहें तो पढ़ के देखिए। ठीक है, बहुत ही कम रेट में, मैं 5-6 हज़ार रुपये नहीं लूँगा, आप देखिए पहले, उसके बाद ही परचेज़ करिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, अब चाहे मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो चाहे कहीं से भी पढ़ सकते हो। जैसे एज लाइक मैं यहाँ पे Part 1 लेके आया हूँ, फिर Part 2, Part 3, छोटा सा वीडियो रहेगा ये 5-6 मिनट का, उसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, उस पर आप फोकस कर सकते हो बस। ठीक है, चलिए, तो जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बार्क के इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पेज पे लिख के और उसके बाद मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे करा तो मैंने सारा दिया है, ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे करा दिए हैं मैंने, लेकिन वही है कि वीडियो मिले या ना मिले तुम लोगों को बस ढूंढना पड़ेगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बार्क लिखा हो, वो मैंने इंडियन ऑयल के लिए भी करा रखा हो या किसी और में करा रखा हो, इस तरीके से आप सभी जानते हो, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता है। तो देखो, साइक्रोमेट्री चार्ट इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, ये REC का टॉपिक है, REC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, ये मैंने करा रखे हैं। REC बाई MR की स्टडी डालोगे, MR की स्टडी डालोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, फॉरियर लॉ, ये हीट ट्रांसफ़र का वो है टॉपिक, फॉरियर लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी हीट ट्रांसफ़र का है। स्टेफन नंबर, नसल नंबर एंड पेंडल नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ये स्टीफन वोल्टेज मैन लॉ, ठीक है, ये भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हीट ट्रांसफ़र का है। किरचॉफ लॉ, ये भी हीट ट्रांसफ़र का है। अब आते हैं आगे, हुप स्ट्रेस, जो थिक सिलेंडर एंड थिन सिलेंडर वाला चैप्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, उसमें हुप स्ट्रेस आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, PD/2T, PD/4T, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके बनेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छे से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता होना चाहिए आपको, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अब तक, एंड यूलेस नंबर एंड स्लेंडरनेस रेशियो, ये इन पे यूलेस नंबर पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक एंड 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 कंडीशन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पढ़ा होगा आपने, एंड कंडीशन मतलब एक सिरा टूटा हुआ है या एक सिरा हिंज है तो एक फिक्स है, इस तरीके से कंडीशन बनती है, उस पर क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, एंड स्प्रिंग से क्वेश्चन बहुत आता है, सीरीज स्प्रिंग है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीरीज एंड पैरेलल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड स्टील कंपोजिशन मतलब स्टील में क्या मिलाया जाए, जैसे निकल मिलाया जाए तो क्या क्या होगा उसमें, ठीक है, क्रोमियम मिलाया जाए तो क्या होगा, टंगस्टन मिलाया तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से भी आते हैं। ठीक है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ये भी इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ये बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, बस आपको क्या करना है, देखो अगर आपको फास्ट रिविज़न करना है तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको फास्ट अगर रिवीजन करना है तो ये वाला कोर्स है मेरा, इसमें 85 की जगह 90 PDF हो चुके हैं लगभग, तो 175 में ये PDF मैं सेल कर रहा हूँ माय एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बिलीव मी एंड गेट एंड क्रैक योर एग्जाम। तो SSC JEE, DRDO एंड RRB JEE, ISRO, BARC, IOCL, SPCL, SAIL सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा वाले, तो इस कोर्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, PDF है, डायरेक्ट लाइली क्वेश्चन लर्न कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, विद सॉल्यूशन भी दे रखा है, मेरे नोट्स भी दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉल कर सकते हो सुबह के टाइम पे। ठीक है, मैं सुबह 7 से 9 तक फ्री रहता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट में रहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, मेरा भी वर्क है कुछ, तो मैं भी काम करता हूँ। तो यहाँ पे 9045705891 पे कॉल करिएगा, या एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा सबसे पहले, और मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग PDF वाला जो कोर्स है उसको देखिएगा, उसमें 7-8 PDF है ना, वो फ्री है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लो, और नहीं अच्छा लगे तो मत लीजिएगा। ठीक है, अब तैयारी आप पर डिपेंड करती है। अब अगर 5,000 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं तो 5,000 किसी और में खर्च कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके या कहीं भी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस आपको वीडियो सर्च करने हैं। आप क्या करते हो मैं बता रहा हूँ, आप क्या, मेरे सारे वीडियो मैकेनिकल पे हैं। आप क्या करोगे,
जिस पे बार्क लिखा होगा वही देखोगे बस। मैं कह रहा हूँ IOCL के भी वीडियो देखने हैं आपको, बार्क के भी देखने हैं, HPCL के भी देखने हैं, पक्का बता रहा हूँ कि आपको पक्का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए। मेरे टॉप टॉप वीडियोज़ हैं 200, 150 वाले, वो भी देख के जाओ, वहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन तो वहाँ से ही मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है, नॉन टेक आएगा नहीं, तो मैं पूरा पैटर्न आपको बता दूंगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी करिएगा। कोई दिक्कत है तो मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर भी है यही, ठीक है। कॉल करोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं उठा पाऊँ अभी कॉल में, तो मैसेज करिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या करिएगा, मेरा MRK Study ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।